हरिलाल यादव जी हैं, सुदीक्षा झा के साथ अभी तक पांच फिल्म आ रही थी शुरुआती दौर से, मतलब पहला मेरा फिल्म ही था जिला चंपारण जो खेसारी जी के साथ, वो फिल्में हैं खेसारी के साथ। क्या होता है खेसारी के साथ एक अलग है, रिले हो जाता है, अलग से चार पाँच महीने पहले रिकॉर्डिंग हो रही थी, और आप जिस तरह बोला बोले ना, जब आप हर जगह रहते हैं तो उस जब गाना रिकॉर्ड हो रही थी तो मैं भी स्टूडियो में था, दोस्तों भोजपुरिया ट्रैवलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं भोजपुरी की ऐसी शख्सियत हमारे पास है जिनका नाम है लाल बाबू पंडित जी। लाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया। जो तो मैं पहले अपने भोजपुरी जो हमारे दर्शक है, जो हमारे सर्वे सर्व भगवान है, तो मैं निर्देशक लाल बाबू पंडित आप लोगों को पैचुर प्रणाम करता हूँ। बोलिए सर, आज आपकी फिल्म की डबिंग कंप्लीट है, कुछ उसके बारे में बताएं। जी, राजा की आएगी बारात फिल्म है, अभी डबिंग कंप्लीट हुई है, जस्ट पोस्ट वाली जो काम है वो चल रही है। कौन कौन है स्टार कास्ट इसमें? सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी है, सुदीक्षा झा जी है, संयुक्ता रॉय है, संजय पांडे जी है, अमित शुक्ला जी हैं, अनूप अरोरा जी हैं, संजय वर्मा हैं, सिद्धि भट्ट हैं, मनोज सिंह हैं, पप्पू यादव हैं, बहुत सारे बीना पांडे जी हैं, ऐसे बहुत, अगर किसी का नाम छूट जाए तो माफी चाहता हूँ, बहुत सारे कलाकार हैं इस फिल्म में राजा की आएगी बारात। जाहिर सी बात है राजा की आएगी बारात एक शादीशुदा पारिवारिक फिल्म होगी, कब तक दर्शकों के बीच में आएगी? देखिए अभी तो काम चल रही है, मेरे ख्याल से इसी साल नवम्बर तक आनी चाहिए फिल्म, कोशिश कर रहे हैं। टेलर बहुत जल्द आने वाली, टेलर मतलब आज 12 हो गया ना, तो 5-6 दिन के अंदर टेलर शायद हम लोग अनाउंस करेंगे टेलर का, मतलब उम्मीद करेंगे गणपति लास्ट तक आ जाएगी। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गणपति जब तक बप्पा है उसी के बीच हम लोग अपना टेलर को लॉन्च करें। लाल बाबू सर, एक शिकायत है आप दर्शकों का, मेरा नहीं है दर्शकों का, कि आप केवल खेसारी लाल यादव जी के साथ ही फिल्में बनाते हैं। मैंने खेसारी जी के साथ अभी तक 5 फिल्में बनाई है। नाम भी बता दें। जिला चंपारण, राजा जानी, कुली नंबर 1, अभी एक बंधुआ की नानी बनाया था जिसका नाम अभी चेंज होकर शादी हो तो ऐसी, अभी राजा की आएगी बारात, अभी कमबैक और फिल्में हैं तो ऐसी बात नहीं। खेसारी जी शुरुआती दौर से, मतलब पहला मेरा फिल्म ही था जिला चंपारण जो खेसारी जी के साथ, एक प्रोफेशनल रिलेशन क्या कहें, पर्सनल रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन खेसारी जी के साथ, और अच्छा लगता है, अच्छे कलाकार हैं। और आपने जो मुझे कहा, जो आप किसी के साथ, अभी मैंने अरविंद नकेला कल्लू जी के साथ अभी एक फिल्म किया है जिसका नाम है दुल्हा धीरे धीरे चला ससुरारी गलियां। जी, एक और शिकायत है दर्शकों का, क्या मैं भी दिनेश जी के भी साथ करने वाला हूँ आगे जो। लाल बाबू जी, शिकायत सबसे बड़ी है कि आपके फिल्म में तो हीरो रहते हैं खेसारी लाल यादव जी, और हीरो नहीं उठाते हैं, क्या इंडस्ट्री के कोई बाकी हीरो पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, कुली में थे, कुली में हमारी काजल जी थी ना, काजल अगवानी जी थी, एक मैंने फिल्म मंडुआ करानी में उसमें स्पेशल अपीयरेंस शोभी शर्मा जी ने किया है, वैसे कोई बात नहीं है। गेस्ट अपीयरेंस की एक प्रॉपर हीरोइन नहीं मिलती है? प्रॉपर हीरोइन काजल जी थी ना कुली नंबर 1 में, काजल अगवानी जी थी हमारे फिल्म में। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट खेसारी जी के साथ में? हाँ, अभी बैक टू बैक अभी 2 फिल्में हैं खेसारी जी के साथ। नाम पूछे, नाम बताएंगे? नाम अभी तक वो नहीं हो पाया, टाइटल नहीं मिल पाया है, तो शायद बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाले, उस फिल्म की तैयारी चल रही है। अच्छा, ऐसा क्या पर्सनल रिलेशन खेसारी जी के साथ बनने के, पिछले दिनों उनके बेटे के बर्थडे पे लिट्टी चोखा खाते हुए आपको हमारे कैमरे ने पकड़ लिया है? खेसारी जी के साथ क्या होता है, खेसारी जी के साथ एक अलग है, रिले हो जाता है, अलग है उनके साथ, वो बहुत अच्छे इंसान है, और मैं भी उनको बहुत दिल से मानता हूँ, बड़े भाई की तरह मानते हैं, मैं छोटे भाई की तरह मानता हूँ, हम लोगों का वो है, हो जाता है बॉन्डिंग, तो दिल का देखिए रिश्ता, उनका थोड़ी दिल का भी रिश्ता है। तो दूसरा ये देखा जाए कि पिछले दिनों अभी हाल फिलहाल सावन के महीने में भी आपको पकड़ा गया हमारे कैमरे के द्वारा पूजा, मतलब जहाँ भी देखा जाए, मतलब जहाँ कैमरे के सारे जी पे जाते हैं वहाँ लाल बाबू पंडित जी की मौजूदगी रहती है, ऐसा क्या पर्सनल रिलेशन है? दिल का रिश्ता भी है, खून का रिश्ता तो जाहिर सी बात है। नहीं, चल
मैं तो यहाँ रहता नहीं, कलकत्ता रहता हूँ, जब भी आता हूँ तो भाई का प्यार मिलता है और उनसे मिलना भी था, तो मैं मुझे कहा भाई मुझे अभिषेक है तो मैं पूजा थी, हालांकि अगर ये है तो मैं तो जब भी आता हूँ घर मिलने जाता ही हूँ, ऑफिस में भी है, मैं तो रहता हूँ उनका ऑफिस में, कभी आके रुकता हूँ, रहने नहीं देते होटल वगैरह में, तो है वो चीज। एक आखिरी सवाल जी, हफ्ते भर पहले खेसारी जी का गाना निकला है तेरे मेरे दिल में, जो काफी ट्रेंडिंग पे है। देखिए वो गाना आज से 4-5 महीने पहले रिकॉर्डिंग हो रही थी, और आप जिस तरह बोले ना, जब आप हर जगह रहते हैं तो जब गाना रिकॉर्ड हो रही थी तो मैं भी स्टूडियो में था और मैंने गाना सुना था, तो मैंने उसी वक्त सर जी को बोला था सर ये गाना मैंने ब्लास्ट गाना लोग बहुत पसंद करेंगे, अलग ये है, तो हिंदी सॉन्ग था लेकिन चलिए वीडियो लोगों ने उस गाने को इतना पसंद किया, और अच्छी बात है ना, हमारे भोजपुरी के गायक सिंगर फोक जो एक हिंदी लेवल पे इस तरह से काम है, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है, हमारे सबके लिए गर्व की बात है, हमारी इंडस्ट्री को समाज के लिए गर्व की बात है। ज्यादा समय ना लेते हो जी, जाते हैं दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्में बन रही है और सिनेमा हॉल खुल गए हैं, अभी चोरी चोरी चुपके चुपके अभी रिलीज होने वाली है खेसारी जी की फिल्म, शायद 17 तारीख को अनाउंस हुआ है, तो आप लोग देखिए, अभी कलबुजी की फिल्म रिलीज हुई है, तो आप लोग प्यार वगैरह दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, हर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, जो गवर्नमेंट का डेकोरम है उसको मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी पर जो भी है उसको फॉलो करते हुए आप लोग सिनेमा हॉल तक जाइए, बहुत अच्छे, मुझे लगता है, मैं आप विश्वास दिलाता हूँ, अभी जो फिल्में बन रही है जितने भी हमारे हीरोज हैं जितने निर्देशक हैं सबको अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिट और फ्लॉप तो आप लोगों के हाथ में है, अच्छी फिल्म होगी तो आप लोग तारीफ करेंगे, बुरी फिल्म होगी तो जिस तरह रिएक्शन होती करेगी, लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज थिएटर हॉल तक जाइए, भोजपुरी सिनेमा को बचाना है, एक अपनी भाषा है उसको बचाना है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आप लोग प्लीज भोजपुरी सिनेमा थिएटर में जाइए, देखिए, बढ़ावा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी, दोस्तों ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत लाल जी, आप बने रहिए।